दोस्तों, मालापुरम केरल के 14 जिलों में से एक है जिसने राज्य की सांस्कृतिक विरासत में अपना योगदान दिया है। प्राकृतिक सुंदरता से घिरा यह खूबसूरत जगह घूमने के लिए बेहद ही अच्छी जगह है, जहां खूबसूरत जंगल, पहाड़, नदियां, बीच और झरने सभी मौजूद हैं। बारिश के मौसम में ऐसी जगहों पर जाना और भी मजेदार हो जाता है। यदि आपको केरल घूमने का प्लान है तो इस जगह को भी अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ग्यासुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं ओशियन ट्रिप। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां आपको घूमने के लिए अच्छी जगहों की जानकारी मिलते रहेंगी। तो दोस्तों, मलप्पुरम में घूमने के लिए पहला जगह है नेदुमकायम। केरल के नीलांबुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित नेदुमकायम रेन फॉरेस्ट बेहद ही खूबसूरत जगह है, जो प्रकृति के सुंदर रूपों को अपने अंदर समाये हुए हैं। नेदुमकायम रेन फॉरेस्ट अपनी हरियाली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ आप ट्रेकिंग, वाइल्ड लाइफ, नेचर वॉक और फोटोग्राफी जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगला स्थान है पेडिंजारेक्कारा बीच। पेडिंजारेक्कारा बीच कुटीपुरम रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच का नज़ारा इतना सुंदर होता है कि उसे अपने शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह मलप्पुरम मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर लोग प्रवासी पक्षियों को देखने और स्पीड बोट तथा वाटर स्कूटर से समुद्र की सैर करने आते हैं। अगला स्थान है पलूर कोटा वाटरफॉल। ऐसी जगह जहां हर तरफ हरा भरा जंगल हो और उसके बीच में से झरना बह रहा हो, ऐसा नज़ारा भला कौन नहीं देखना चाहेगा। ऐसा ही सुंदर नज़ारा पलूर कोटा वाटरफॉल का है। यह वाटरफॉल मलप्पुरम जिले के कडुंगापुरम गांव में है। अगर आप भी प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो यहां छुट्टियां बिताने जरूर जाएं। अगला स्थान है थिरुमंधमकुन्नु मंदिर। केरल के प्राचीन मंदिरों में से यह मंदिर मलप्पुरम जिले के अंगदपुरम में स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों को अपने आसपास इस तरह समेटे हुए हैं कि यहां आने वाला हर व्यक्ति खुद को मंत्रमुग्ध पाता है। यह मंदिर सुबह 4 बजे से 12 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 8 बजे तक खुलता है। अगला स्थान है नीलांबुर। नीलांबुर एक छोटा सा स्थान है जो अपनी सुंदरता और सादगी के लिए प्रसिद्ध है। चलियार नदी के किनारे बसा यह खूबसूरत शहर प्रकृति और वन्य जीवन का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान। नीलांबुर अपने सागौन के बागान के लिए प्रसिद्ध है। नीलांबुर को दुनिया के सबसे पुराने सागौन के बागानों में से एक कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अध्ययन पारा और वालम थोड़ झरने आदि है जो देखने लायक है। अगला स्थान है तनूर। तनूर मलप्पुरम का एक महत्वपूर्ण तटीय शहर है जो शुरू में पुर्तगाली बस्तियों में से एक हुआ करता था। तनूर मलप्पुरम में मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे धीश्रवरपुरम मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला स्थान है पोनानी। पोनानी मलप्पुरम का एकमात्र बंदरगाह केरल के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। भरत पूजा के पास स्थित यह स्थान मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा मलप्पुरम में और भी कई स्थान हैं जहां आप घूम सकते हैं। इसके साथ ही मलप्पुरम में एक ऐसा गांव है जहां आपको एक शक्ल के दो दो बच्चे देखने को मिलेंगे। इस गांव का नाम कोडिन्ही है, जिसे जुड़वा बच्चों के गाँव के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, मलप्पुरम घूमने का बेस्ट टाइम मानसून सीजन है। इस दौरान यहाँ का खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मलप्पुरम घूमने के लिए आप यात्रा के तीनों साधनों का उपयोग कर सकते हैं। फ्लाइट से मलप्पुरम जाने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट कालीकट है। यहाँ के लिए देश के विभिन्न शहरों से आपको फ्लाइट मिल जाएंगी। ट्रेन से मलप्पुरम जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन सोरानूर और कोझिकोड है। यहाँ के लिए देश के प्रमुख शहरों से ट्रेन मिल जाएंगी। सड़क मार्ग द्वारा मलप्पुरम जाने के लिए कोझिकोड से नियमित बस सेवा मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।